नमस्ते दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और खबर जो है कैरेबियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। आपने सुना है ना कैलिप्सो के बारे में? वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी अपने अलग अंदाज के साथ जाने जाते हैं। वेस्ट इंडीज वाले क्या मस्ती से क्रिकेट खेलते हैं और वो जीत भी जाते हैं। पर पिछले कुछ सालों से कैलिप्सो किंग क्रिकेट की धुन भूल गए हैं, लग रहा है ऐसा। हुआ ये कि शनिवार का दिन वेस्ट इंडीज के लिए काला दिन बन गया। उनकी टीम वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होगी। क्या हुआ भाई, आइए जानते हैं। 1975 और 1979 में शुरुआती दो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम वेस्ट इंडीज की टीम भारत में इस साल वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होगी। अरे यार, स्कॉटलैंड के खिलाफ मिली हार के बाद वेस्ट इंडीज दौड़ से बाहर हो गई है। सुपर सिक्स के मुकाबले में स्कॉटलैंड ने उन्हें 7 विकेट से हरा दिया। अब ये पहला अवसर होगा जब वेस्ट इंडीज की टीम किसी भी फॉर्मेट वनडे या T20 के वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगी। पहली बार होगा ऐसा। अरे भाई, वेस्ट इंडीज की टीम 1996 में आखिरी बार वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची थी। उसके बाद से टीम 2011 और 2015 में क्वार्टर फाइनल में तो पहुंची, लेकिन जीत नहीं पाई। और इसी बीच 2012 और 2016 में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। तो तब ऐसा लग रहा था कि उनके सुनहरे दिन वापस लौट रहे हैं, पर इस बार टीम पटरी से ही उतर गई है। इस साल ODI टूर्नामेंट में वेस्ट इंडीज ने शर्मनाक प्रदर्शन किया है। एक तो टीम में वो आग ही नहीं लग रही जो पहले थी। पहले तो टीम हमेशा जीतने के बारे में सोचती थी, अब ना आग है ना ही जिम्मेदारी उनके खेल में दिख रही है। अरे भाई, वेस्ट इंडीज ही ऐसी एक टीम है जहां T20 का बुखार खूब चढ़ा है और इसी बुखार ने उनकी टीम को तहस नहस कर दिया है। अब ना तो वनडे में अच्छा खेल पा रहे हैं और ना ही टेस्ट में। इस टीम के खिलाड़ी T20 लीग में खेलने के लिए मर रहे हैं। इस बार वेस्ट इंडीज की टीम के अंदर एक भी स्टार स्पिनर ही नहीं था। अखिल हुसैन प्रभाव छोड़ने में असफल हुए। शिमोन और एंड्री रूसल जैसे खिलाड़ियों से संपर्क ही नहीं किया गया। टीम में अनुभव की कमी दिख रही थी। और सुनो, वेस्ट इंडीज की टीम ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में सीरीज खेली थी और हैरान करने वाली बात ये है कि सीरीज में क्रिस गेल, होल्डर, अखिल हुसैन नहीं खेलते। ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप के क्वालिफायर में सीधे उतर गए। वाह, क्या तैयारी थी यार इनकी। तो दोस्तों, ये रहा वेस्ट इंडीज के क्रिकेट की हालत। अब ये देखते हैं कि इस टीम का क्या जवाब है और आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और क्रिकेट का आनंद लेते रहिए।